नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये मैं दर्शकों की डिमांड पे बना रहा हूं। उसमें काफ़ी दर्शक मुझसे पूछते हैं कि भाई हम स्टॉक मार्केट की दिशा का अंदाज़ा कैसे लगाएं, मतलब हम ये कैसे पता कर सकते हैं भाई स्टॉक मार्केट आने वाले समय में ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या साइडवेज मूवमेंट रहेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं जो टेक्निकल एनालिसिस आपको दिखाने जा रहा हूँ या जो स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से स्टॉक मार्केट की दिशा के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटजी या एनालिसिस मेरा अपना नहीं है, ये मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक किताब पढ़ी थी कुछ समय पहले एक लाइब्रेरी से, और वहाँ पर मैंने इसके बारे में पढ़ा था और एक चैप्टर जो था वो पूरा इस विषय के ऊपर डेडिकेट किया गया था कि आप मार्केट की दिशा का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, किताब का नाम मुझे इस समय ध्यान नहीं आ रहा, पर उस समय जो भी महत्वपूर्ण बातें थे वो मैंने अपने डायरी में नोट कर ली थी और उसी नोट के बेसिस के ऊपर जो भी मैंने उस समय उस किताब में पढ़ा था, जो भी सीखा था या जो भी एनालिसिस उसके बाद मैंने किया, तो ये वीडियो उसी का नतीजा है। और ये दोस्तों किताब जो थी वो फॉरेक्स के ऊपर थी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैंने काफ़ी स्टडी की हुई है फॉरेक्स के ऊपर भी और मुझे फॉरेक्स की जो एनालिसिस या स्ट्रेटजीज़ हैं वो काफ़ी पर्सनली पसंद है। तो दोस्तों, इस एनालिसिस के लिए हम जिस शीट का इस्तेमाल करेंगे मैं पहले आपको बता देता हूँ आप वो शीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे nitinbhatia.in, वहाँ पे यूज़फुल इन्फो के अंदर इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं और वहाँ पे ये जो तीसरे नंबर का जो लिंक है जिसके आगे मैंने आज ये अपडेट किया है न्यू हाई न्यू लो, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शीट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप FNO स्टॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप ये FNO स्टॉक्स ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक्स के आगे ये ग्रीन जो है बॉक्स दिखाई देगा 52 वीक हाई के अंदर, और कुछ स्टॉक्स के आगे आपको रेड बॉक्स दिखाई देगा 52 वीक लो के आगे, जैसे ये आप एग्जांपल के तौर पे अपोलो हॉस्पिटल देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका क्या रेलेवेंस है? तो वो जो किताब मैंने पढ़ी थी दोस्तों, उसके अंदर बताया गया था कि जो मार्केट की दिशा है उसका जो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स 52 वीक के हाई के आसपास हैं और नंबर ऑफ़ स्टॉक्स जो 52 वीक लो के आसपास हैं, इसका काफ़ी गहरा संबंध है। तो उसमें उन्होंने विस्तार से बताया था एग्जांपल्स के साथ कि इनका आपस में क्या रिलेशन है और आप इस डेटा की सहायता से कैसे आप मार्केट की दिशा के बारे में पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली जो ऑथर थे उन्होंने ये फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि जो भी मार्केट में आपकी रैली है या डिक्लाइन है वो ब्रॉडर है या वो बहुत नैरो है। मतलब ब्रॉडर मतलब कि ज़्यादा स्टॉक्स उस रैली में या डिक्लाइन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या बहुत कम स्टॉक्स जो हैं वो उस रैली या डिक्लाइन के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो उन्होंने इसकी सहायता से एक एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों, वो एनालिसिस क्या था वो मैं आपको अपनी एक्सेल शीट पर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैलकुलेशंस मैंने कैसे की। तो दोस्तों, इस समय जो हमारे इंडियन मार्केट में नंबर ऑफ़ FNO स्टॉक्स हैं वो 212 हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ये शीट में दिखाया, आपको इस शीट के अंदर कैलकुलेट करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने स्टॉक्स जो हैं वो अपने 52 वीक हाई के आसपास हैं। तो ये जो कलर्स हैं, कुछ आप देखेंगे डार्क ग्रीन कलर में है, कुछ मीडियम ग्रीन कलर में है, कुछ लाइट ग्रीन कलर में है। तो अगर आप इस शीट के नीचे आएंगे तो आपको इनकी डेफिनेशन मिल जाएगी। तो इन कलर कोड्स का क्या मतलब है? तो जो स्टॉक 0 से 2% जो है 52 वीक हाई के आसपास हैं इस रेंज में है, तो वो डार्क ग्रीन कलर में दिखाए गए हैं। अगर कोई स्टॉक 2% से 5% की रेंज में है तो उसको मीडियम ग्रीन से दिखाया गया, और 5% से 7% की जो रेंज है उसको लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया। उसी तरीके से जो लाल बॉक्सेस हैं उसकी डेफिनेशन भी यहाँ नीचे दी गई है। तो आपको यहाँ पे स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ काउंट करना है कि आज के दिन 52 वीक हाई के अंदर कितना काउंट है स्टॉक्स का, कितने स्टॉक्स हैं जो कि ग्रीन बॉक्स जिनके आगे दिखाया गया है, उसी तरीके से कितने स्टॉक्स हैं जिनके आगे रेड बॉक्स दिखाया गया है। तो ये जब आप काउंट कर लेंगे इसको, तो आप यहाँ पे एक्सेल शीट में, जैसे मैंने आज काउंट किया तो मैंने पाया कि 80 स्टॉक्स जो हैं वो 52 वीक हाई के आसपास हैं। तो उसके अंदर मैंने डार्क ग्रीन, मीडियम ग्रीन और लाइट ग्रीन तीनों तरह के स्टॉक्स को इसमें कंसिडर किया है। उसी तरीके से जब मैंने 52 वीक लो के आसपास जो रेड बॉक्स वाले स्टॉक्स हैं उनका काउंट फाइंड आउट किया तो वो था 5, और इन दोनों का सम जो है वो 85 है। तो दोस्तों, यहाँ आप एनालिसिस कैसे करें? तो एनालिसिस के लिए एक आपको रेशो निकालनी पड़ेगी
न्यू हाई न्यू लो रेशो, और ये रेशो होती है कि कितने स्टॉक्स हाई पे हैं और कितने स्टॉक्स लो पे हैं उनका डिवीजन। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फार्मूला लगाया हुआ है, तो यहाँ पे 80 को 5 से डिवाइड किया तो आपकी ये रेशो आई 16। और ये जो बेंचमार्क है, ये एक्चुअली जो उस किताब में बताया गया था कि आप जितने स्टॉक्स कंसिडर कर रहे हैं अपने एनालिसिस के लिए, तो लगभग जो आपके 10वां हिस्सा या 10% उसके जो स्टॉक्स हैं वो आपका बेंचमार्क होना चाहिए। तो उतना जो हम नंबर है, जो वैल्यू है, तो वो आपका बेंचमार्क होना चाहिए NHNL रेशो का। तो दोस्तों यहाँ जैसे 212 स्टॉक है, तो 21.2 जो है वो आपका बेंचमार्क है, और इस समय आपका NHNL जो है वो 16 चल रहा है। तो इसका मतलब अगर ये रेशो क्रॉस हो जाती है बेंचमार्क वाली, तो मार्केट एक स्ट्रांग बुल फेज़ में है। और मैंने कुछ समय पहले जब ये एनालिसिस किया था, तो मैंने पाया था कि ये जो रेशो थी ये लगभग 24 के आसपास थी। इसका मतलब एक मार्केट जो है स्ट्रांग बुल फेज़ में थी, पर ये रेशो मैंने अभी कुछ समय से ऑब्जर्व किया कि ये धीरे धीरे नीचे आ रही है। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल एक सिंपल एनालिसिस करना चाहें, तो यहाँ पे आप एक हाई परसेंटेज करके एक परसेंटेज फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी सहायता से भी आप इस एनालिसिस को कर सकते हैं। तो ये हाई परसेंटेज क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका हाई परसेंटेज है वो है 80/85, और ये जो 85 है ये 80+5 है। उसी तरीके से अगर आपको लो परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो वो 100 - हाई परसेंटेज होगा। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, तो आप इसको जितने स्टॉक्स 52 वीक लो पे हैं डिवाइड बाय टोटल ऑफ 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो, तो ये आपका इस समय 6% है। तो अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ हाई परसेंटेज और लो परसेंटेज भी अपनी मैप करना शुरू करते हैं, तो आपको दिखेगा जैसे यहाँ Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, तो वहाँ पे आपको साफ दिखना शुरू हो जाएगा कि भाई ये जो रेशो है हाई परसेंटेज वाली कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या ये एक नंबर के आसपास वो स्टेबल है। उसी तरीके से लो परसेंटेज जो है वो कम हो रही है, अगर हाई परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है तो लो परसेंटेज कम हो रही होगी, अगर लो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है तो हाई परसेंटेज कम हो रही होगी, क्योंकि दोनों का सम जो है वो हमेशा 100 रहेगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस दिशा में जारी है, और ये एक बहुत अच्छा पैमाना है चेक करने का। और उसके अंदर जो एनालिसिस करने के और भी कई तरीके हैं, तो अगर आप NHNL रेशो को प्लॉट करना शुरू करेंगे, आप उसकी मूवमेंट चेक करिए, और डेली स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को आप देखेंगे, तो अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, अगर आपका NHNL रेशो भी इंक्रीज़ हो रहा है, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब एक बुल फेज़ है। अगर वो बेंचमार्क को क्रॉस कर जाती है NHNL रेशो, तो आप उसको कह सकते हैं कि मार्केट जो है बहुत स्ट्रांग बुल मार्केट है इस समय। तो यहाँ पे ये जो NHNL रेशो, हाई परसेंटेज, लो परसेंटेज, और मार्केट इस समय रोज़ मूवमेंट उसकी क्या है, अगर आप ये सारा डेटा एक ही जो है एक्सेल शीट पे प्लॉट करना शुरू करेंगे, तो आप बहुत आसानी से कुछ समय बाद आप अंदाज़ा लगा पाएंगे, जब आपके पास 6-7 दिन का डेटा इकट्ठा हो जाएगा, कि मार्केट अब किस दिशा में जा रही है। जो मेरा एनालिसिस कहता है वो ये कहता है कि मार्केट इस समय नीचे की दिशा की तरफ जा सकती है, और वो जो मेरा कंक्लूजन है वो इसी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इस एनालिसिस की सहायता से मार्केट की दिशा का पता लगा सकते हैं, तो आप मार्केट के सेंटिमेंट्स भी इसकी सहायता से पता लगा सकते हैं। अगर आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स जो 52 वीक हाई पे हैं वो ज़्यादा हैं 52 वीक लो से, तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अगर ये काउंट इंक्रीज हो जाता है 52 वीक लो का, 52 वीक हाई से ज़्यादा हो जाता है, तो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, और वो आपको यहाँ पे हाई परसेंटेज और लो परसेंटेज के आगे भी आपको वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों यहाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि जब भी आप ये एनालिसिस करें, तो इसको जो ट्रेंड को, जो भी आप मार्केट की दिशा के बारे में पता लगा रहे हैं, उसको आप मूविंग एवरेज से ज़रूर कंफर्म कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो में शेयर किया था कि बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, तो आप उसकी सहायता से इस जो एनालिसिस का रिजल्ट है उसको कंफर्म कर लीजिए। अगर दोनों मूविंग एवरेज और ये एनालिसिस आपको एक ही रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपका एनालिसिस बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहा है, और आप एक बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि मार्केट की दिशा क्या होगी आने वाले समय में।
तो दोस्तों आने वाले एक वीडियो में मैं आपको इस एनालिसिस के बारे में और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ये उतना आसान है नहीं जितना आपको शायद दिख रहा है या आपको लग रहा है। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस है और आप जब इसके डेटा पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो आपको दिखना शुरू होगा कि मार्केट किस दिशा में जा रही है, और आप जब उसको एक लंबी अवधि के दौरान इस एनालिसिस को चेक करेंगे तो आपको एक बहुत क्लियर ट्रेंड्स मिलने शुरू होंगे और एक बहुत क्लियर आपको अंदाज़ा लगेगा कि मार्केट किस दिशा में मूव कर रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया तो आप इसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर ज़रूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को क्लिक करें या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, उससे आप सभी वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।